much, sadly. ये लाइट कलर का एल्बम मुझे दिया, येलो काम था थोड़ा सा मॉडर्न का। क्या हुआ भाई रामस्वरूप, उदास क्यों बैठे हो? क्या बताएं भैया, आज सुबह मैं साहूकार की शरण लेकर अपने खेतों में दवाइयां डाली थी, पर अचानक बारिश आ गई और सारी फसल खराब हो गई। इस बारिश का भी पता ही नहीं चलता, कभी भी आ जाती है और अब किसानों की फसल नष्ट हो जाती है। आओ भैया आओ। और भाई गोपाल, क्या तुमने तुम्हारे खेत में दवाइयां डाल दी? अभी तक तो नहीं डाली भैया। अच्छा, तो मैंने मेरे खेत में बढ़िया और महंगी दवाइयां डाली है, तुम भी तुम्हारे खेत में वही दवाइयां डाल लो। नहीं भैया, आपके खेत की मिट्टी और मेरे खेत की मिट्टी एक नहीं है। पहले मैं मेरे खेत की मिट्टी की जांच कराऊंगा और उसी के बाद मैं उसमें दवाइयां डालूंगा। अच्छा ठीक है। अब जो खेत में इतनी महंगी और अच्छी दवाइयां डालने के बावजूद कुछ फसल नहीं हुई, मेरे ऊपर तो पहले ही इतना कर्ज है और अब तो कर्ज और भी बढ़ जाएगा। अरे भैया, आपको पता है इस साल मुझे अच्छा मुनाफा हुआ है और मेरा खर्चा भी कम आया है, क्योंकि मैंने आधुनिक तकनीक इस्तेमाल की थी। अच्छा, तो फिर अगली बार से मैं भी तुम्हारी तरह आधुनिक तकनीक का प्रयोग करके खेती करूँगा ताकि मुझे भी अच्छा मुनाफा हो। ठीक है भैया। As usual, how Asian farmers suffered due to lack of information about the weather, but the modern farmers have a great amount of information about the weather and earn more profit from their production. Now we will see how technology has contributed in education and made learning easy. Pranam Guruji. Pranam, pranam, baitho. कल मैंने तुम्हें सूक्ष्मदर्शी जीवाणुओं के बारे में पढ़ाया था, क्या तुमने उसे दोहरा लिया? शाबाश, बैठो। गुरु जी, हमने उसे दोहरा कर ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, पर क्या हम उन्हें दे सकते हैं? नहीं, अभी हमारे पास ऐसे उपकरण नहीं है जिनसे हम उन्हें देख सके, लेकिन शायद भविष्य में ऐसे उपकरण बन जाए और हम इन्हें देखने में सक्षम हो। तो यह पाठ अब खत्म हो चुका है, कल मैं तुम्हें मानव हृदय के बारे में पढ़ाऊंगा, तो घर से तुम अपनी पुस्तकों से पढ़ के आना। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, सिट डाउन। थैंक यू सर। सो हाउ आर यू? वी आर फाइन सर। सो यस्टरडे वी स्टडीड आवर चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सो हैव यू रिवाइज्ड द चैप्टर? यस सर। सो टुडे आई विल मेक यू ऑब्जर्व हाउ माइक्रो ऑर्गेनिज्म लुक लाइक। This is a microscope, and in this I have a slide in which there is a microorganism. So one by one, watch it and tell me what do you see in it. Yeah, if something, you also try, Akash. These are not particles. These are some organisms which are microscopic organisms, which you can only see with the help of microscope. And you are very lucky student that you are able to see this microorganism. But when I was of your age, we were not able to see these organisms due to less technology. Oh. So, students, our chapter is finished.
From tomorrow, we will start a new chapter, which is the human heart. So, you will go through the internet, collect some information, and make a PPT and send me till the evening. As you all see, how technology has enhanced the study of students, and teachers can teach the students with the help of advanced tools. And students can get their study material with just a single click. Now we will see how technology has contributed in defense. Good evening, sir. Hi, Major. How are you? I am fine, sir. What's going on? Mitri is doing well, sir. Have a seat, gentleman. Thank you, sir. What is your orders? Army is alert 24 hours, sir. Sir, you have fought many battles. Yeah. I have a curious question about it. Yeah, why was terrorism more in previous years? Thank you so much.